हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं स्वीट मैंगो मलाई खांडवी। बहुत ही टेस्टी स्वीट है ये, घर में ही अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है ये और बिना किसी घी या फिर ऑयल से बनती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैंगो खांडवी बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो है 1/2 कप बेसन, 3 छोटा चम्मच चीनी और 1/4 कप मैंगो पल्प। इनका अब हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। एक मिक्सर जार में हम सबसे पहले डालेंगे बेसन, साथ में डालेंगे मैंगो पल्प। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो टोटल पानी हमें 1 कप प्लस 1/4 कप लेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, इसे ऐड करते जाएंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। तो पानी को मैंने यहाँ पर 3 से 4 बैचेस में ऐड किया है। और ये देखिए, इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। इसे हम एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर कॉन्टीन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे। इसमें हम 3 छोटे चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें लम्ब्स नहीं आने चाहिए। और इसे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हुए हैं और एक बॉईल आ गया है इसमें। इसके बाद भी हमें इसे कॉन्टीन्यूसली चलाते हुए 4 से 5 मिनट और पकाना है। इसे हमने टोटल 10 मिनट पका लिया है। बैटर पक गया है, अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे पतला पतला स्प्रेड कर लेंगे। और इसे हम 15 से 20 मिनट साइड पर रख देंगे। इसकी स्टफिंग के लिए एक बाउल में डालेंगे 4 चम्मच नारियल बुरादा, 2 चम्मच पाउडर्ड शुगर और थोड़ा सा इलायची पाउडर। और खांडवी सेट हो गई है। शीट्स को मैंने कट कर लिया था पहले से ही, अब हम इन्हें फोल्ड कर लेंगे। इसमें अब हम स्टफिंग को भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं। खांडवी रोल्स बनकर तैयार है। लास्ट में इसे हम मैंगो मिल्क के साथ सर्व करेंगे। उसके लिए 2 से 3 चम्मच मैंगो पल्प ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे खांडवी पर डालेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने चॉप्ड बादाम ऐड किए हैं। और हमारी मैंगो मलाई खांडवी बनकर तैयार है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ।